आज हम एक नए डिजाइन का बहुत ही सुंदर सा पायदान बनाना सीखेंगे। इसके लिए देखिए, ये मैंने 8 नंबर की सिलाई ली है और कपड़े से मैंने ये 2 कलर की पट्टी निकाल रखी है। देखिए, आप अपनी पसंद से कोई भी कलर ले सकते हो। तो देखिए, अब इसको बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले सिलाई पे एक नॉट लगाना है। देखिए, एक नॉट लगा लिया, फिर इस तरह से क्रॉस कराते हुए हमें फंदा डालना है। ये देखिए, पट्टी को इस तरह से क्रॉस कराते हुए फंदे को डालना है। देखिए, ये देखिए, 2, 4, 5, 6, इस तरह से मैं 20 फंदे इसमें डाल लूँगी। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 20 फंदा हमने डाल लिया। देखिए, पट्टी हमें 1 इंच की लेनी होगी। देखिए, 1 इंच की पट्टी मैंने निकाल रखी है। इसी तरह से आपके पास साड़ी, चुन्नी हो या ऊन हो, किसी भी चीज़ से आप बना सकते हो। तो इसी तरह से देखिए फंदा डालना है। ये फंदा डालने का सबसे आसान तरीका है, इस वजह से मैं इस तरह से बताती हूँ। और फंदा 2 के जोड़े से लेना है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि अगर इसको हाफ ऑफ 2 भागों में अगर इसको बांटते हैं, आधा आधा फंदा, तो 2 के जोड़े से दोनों होना चाहिए। जैसे अब हमने इसमें 20 फंदा लिया है, तो इसमें 10-10 फंदा हो रहा है, तो दोनों ही 2 के जोड़े से है। अगर यहाँ पे मैं 22 फंदे लेती हूँ तो नहीं बनेगा, क्योंकि 11-11 फंदा हो जाएगा, तो दोनों 2 के जोड़े से नहीं होगा। या आप ऐसे कर सकते हो कि अगर इस तरह से नहीं समझ में आया, तो आप 4 के जोड़े से फंदे लो। अगर 4 के जोड़े से फंदे आप लेते हो तो आपका बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, क्योंकि फिर जो 2 भागों में आप बांटोगे, तो दोनों ही भाग में 2-2 के जोड़े से फंदे आ जाएंगे। तो देखिए, अभी आप इसको पहली सिलाई से ही डिजाइन बनाना शुरू कर सकते हो। तो देखिए, यहाँ से पहली सिलाई से डिजाइन बनाना शुरू करेंगे। पट्टी को देखिए सिलाई के ऊपर इस तरह से लपेटेंगे, देखना, और ये 1 फंदा बढ़ गया है, यहाँ पे 1 फंदा बढ़ गया। तो देखिए, 2, 3, 4, इस तरह से फंदा डालते हैं, तो पहली सिलाई आराम से बनाते हैं। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2 फंदा यहाँ पे छोड़ देंगे और यहीं से पलट जाएंगे। ये 19 फंदा इस वजह से हुआ कि यहाँ पे मैंने 1 फंदा बढ़ा लिया। अगर 1 फंदा नहीं बढ़ा होता तो ये 18 फंदा होता। देखिए, इस तरह से फंदा डालते हैं तो पहली सिलाई आराम से बनाते हैं, आगे कोई भी परेशानी नहीं होती है। इस तरह से फंदा डालना मैं इस वजह से बताती हूँ कि जिसको फंदा डालना नहीं आता वो भी आसानी से इस तरह से फंदा डाल सकते हैं। अब इस साइड से सभी फंदों को हमें उल्टा उल्टा बना लेना है। इसमें दोनों पट्टी को एक साथ नहीं बनाना है, पहले एक पट्टी से बना लेंगे, फिर उसके बाद ऐसे 2-2 करके इसमें आधे फंदे छूट जाएंगे। ये 1 कलर की पट्टी से जब आधे फंदे रह जाएंगे, तो 2 कलर की पट्टी को हमें लगाना होता है। तो इस वजह से बनाने में कोई परेशानी नहीं होती है, बहुत ही आसानी से बन जाता है। फ्रेंड्स, आप पूरी वीडियो देखा करो। अगर वीडियो को देखते हुए साथ साथ आप बनाओगे तो आपका पायदान कभी भी ख़राब नहीं होगा। अगर आप पूरा देखोगे जब भी आपको समझ में आएगा। मैं बीच बीच में आपको बताती रहती हूँ कि कितने फंदे में कितने फंदे बढ़ाने होंगे और कितने फंदे नीचे छोड़ने होंगे, फिर कितने फंदे हैं जो जिसमें कि फंदे नहीं बढ़ाने होंगे, ये सब कुछ मैं आपको बीच बीच में बताते रहूँगे। तो देखिए, जैसे पहले 1 फंदा बढ़ाया था, वैसे अब ये 2रा फंदा भी पट्टी को सिलाई के ऊपर लपेटते हुए बढ़ा लेंगे। तो देखिए, यहाँ पे 1 फंदा और बढ़ गया, इस वजह से 1, 2 फंदा बढ़ गया। बीच में कुछ नहीं करना है, सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुनते जाना है। ऊपर से 1 फंदा बढ़ाना है और नीचे से 2-2 करके हमें फंदा छोड़ते जाना है।
आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिले। देखिए अब नीचे यहाँ दो फंदा और छोड़ देंगे, यहीं से पलट जाएंगे। बहुत ही सुंदर और आसान डिजाइन है। अब इधर साइड से सभी फंदों को हमें उल्टा उल्टा बना लेना है। जो ये फंदा बढ़ाते हैं इसको भी हमें उल्टा ही बुनना होता है। देखिए इस बढ़े हुए फंदे को भी इसी तरह से उल्टा ही बना लेंगे। देखिए पहला फंदा उतारेंगे, सॉरी इस फंदे को उतारना नहीं है, इस तरह से पट्टी को सिलाई के ऊपर लपेटते हुए। देखिए ये तीसरा फंदा बढ़ गया। ये फंदा बढ़ाने का सबसे आसान तरीका है। जैसे इसमें आपने 28 फंदा अगर लिया तो 14 14 फंदा बनेगा, ऊपर 7 फंदा बढ़ जाएगा। अब जैसे मैंने ये 20 फंदा लिया है तो ये दो दो करके 10 फंदा यहाँ पे छोड़ेंगे और यहाँ पे 5 फंदा बढ़ जाएगा। अगर 28 फंदा होगा तो दो दो करके यहाँ पे 14 फंदा छूटेगा और यहाँ पे 7 फंदा बढ़ जाएगा। 30 फंदे का नहीं बनेगा क्योंकि 30 फंदे में अगर आप आधा आधा करते हो तो दो के जोड़े से नहीं होगा, 15-15 फंदा हो जाएगा। 32 फंदे का बनेगा, आप 40 फंदे का बना सकते हो। जैसे 40 फंदे का बनेगा तो उसमें दो दो करके नीचे यहाँ पे 20 फंदा छूटेगा और एक एक करके यहाँ पे 10 फंदा बढ़ जाएगा। तो आधे फंदे में हमें जो छोड़ना है उसमें फंदा बढ़ाना है, फिर आधे फंदे में हमें कोई फंदा नहीं बढ़ाना है। अभी ये बन जाता तो आगे मैं आपको बताऊँगी। ये देखिए तो दो दो करके हमने ये देखिए 3 बार फंदा छोड़ दिया, 2 फंदा यहाँ छोड़ दिया और यहीं से पलट जाएंगे। इधर से कुछ नहीं करना, सभी फंदों को हमें उल्टा उल्टा बना लेना है। देखिए इधर साइड से हमने सभी फंदों को बना लिया है। ये इसका सीधा साइड है और ये उल्टा साइड है। सीधा साइड से हमें डिजाइन को बनाना है। ये देखिए फिर पट्टी को सिलाई के ऊपर लपेटेंगे और इस तरह से फंदा बढ़ा लिया। तो ये चौथा फंदा हमने बढ़ा लिया। मैं आपको छोटा बना करके इस वजह से बता रही हूँ कि छोटा होता है तो इसमें पूरा ही हम बना करके बता देते हैं जिससे कि आपको आसानी समझ में आ जाए। अगर बड़ा होगा तो अगर मैं पूरा पूरा बना करके आपको बताऊँगी तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तो तरीका सेम है, जैसे ये छोटा बन रहा है वैसे ही आप बड़ा भी बना सकते हो। जैसे आपने 40 फंदे लिए तो उसमें 20-20 फंदा हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 2 फंदा छोड़ दिया तो 1, 2, 3, 4 बार छूट गया और यहीं से पलट जाएंगे। इधर उल्टे साइड से कुछ नहीं करना, सभी फंदों को उल्टा उल्टा बना लेना है। आप 24-24 फंदे ले सकते हो, 24 फंदे अगर आप लोगे तो 24-24 48 हो जाएगा। तो उसमें अगर आप 24 फंदे बनाते हो तो 12 फंदे बढ़ जाएंगे क्योंकि दो दो करके 24 फंदा जो वो 12 बार छूटेगा तो 12 फंदे ऊपर बढ़ जाएंगे क्योंकि हमें फंदे दो दो करके छोड़ना है। तो जितने फंदे आप दो दो करके छोड़ोगे उतने उसका आधा है। जैसे अब यहाँ पे मैं 10 फंदे छोड़ रही हूँ तो उसका आधा 5 फंदे यहाँ पे बढ़ जाएगा। अगर ये 20 फंदा हो, जैसे इसमें 40 फंदे अगर मैं लेती तो ऊपर 20 फंदा होता, नीचे 20 फंदा होता, तो 20 फंदा दो दो करके 10 बार छूटता तो यहाँ पे 10 फंदे बढ़ जाते हैं। अब देखिए ये मैं 5वां फंदा बढ़ा रही हूँ, पट्टी को सिलाई के ऊपर लपेटा। ये देखिए सिर्फ आप पूरी वीडियो देखा करो, मैं आपको एक एक चीज़ बना करके बताती हूँ। मेरी पूरी कोशिश यही होती है कि आसान से आसान तरीके से बताऊं जिससे कि आप आसानी से समझ सको, आपको समझने में कोई भी परेशानी नहीं आए। तो इस वजह से फ्रेंड्स घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ वीडियो को देखते हुए साथ साथ बनाओगे तो आपका पायदान कभी भी ख़राब नहीं होगा। तो देखिए ये 2-2 करके 2, 4, 6, 8, 10 मैंने आधे फंदे छोड़ लिए हैं और देखिए एक एक करके 5 फंदा यहाँ पे बढ़ गया। यहाँ पे देखिए 2, 4, 6, 8, 10,
12 14 एक 15 10 फंदा और 5 बढ़ गया तो ये 15 फंदे हो गए और यहाँ पे ये 10 फंदे हो गए। अब देखिए उल्टे साइड से, अब यहाँ से हमें क्योंकि दो दो करके हमने 10 फंदे छोड़ दिए तो अब यहाँ से कलर चेंज करना है। देखिए अब आधे फंदे दो दो करके यहाँ पे छूट गए तो यहाँ से अब मैं दूसरे कलर की पट्टी को लगाऊंगे। तो देखिए दूसरे कलर की पट्टी को कैसे लगाते हैं, ये देखिए इस पट्टी को इस तरह से लिया और ऐसे बना दिया, एक फंदा बना लिया और इसको थोड़ा सा यहाँ पे टाइट कर लेंगे, अगर टाइट नहीं करेंगे तो यहाँ पे होल बन जाएगा। अब इसका जो किनारा है इस पट्टी के बीच में रख करके रोल कर लेंगे, देखिए तो ये बिल्कुल भी बाहर को नहीं दिखाई देता है, इससे काफ़ी अच्छी फिनिशिंग आती है। ये देखिए इस तरह से इसको इसके बीच में रख करके रोल कर लिया, बाकी जितने भी फंदे हैं ये ऊपर के सभी को अब हमें इस दूसरे कलर की पट्टी जो हमने लगा ली है पिंक कलर की इससे बनाना है। तो देखिए अब इस पट्टी को हमें यहीं छोड़ देना है, अब इस पट्टी को पट्टी से हमें नहीं बनाना है, अब जो ये मैंने दूसरे कलर की पट्टी को लगाई है इससे अब बनाना है। तो देखिए सभी फंदों को हम इस कलर इस पट्टी से बना लेंगे। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखना, अभी तक तो हमने क्या किया था एक एक करके फंदा यहाँ पे बढ़ाया था, अब हमें कोई फंदा बढ़ाना नहीं है, अब कोई फंदा नहीं बढ़ाना है, हमें सिर्फ ऐसे ही बनाते जाना है। देखिए जो हमने यहाँ पे फंदा एक एक करके बढ़ाया था अब यहाँ पे हमें कोई फंदा नहीं बढ़ाना है। देखिए इस फंदे को उतार लिया इस तरह से, अब हमें सभी को बनाते जाना है, ऊपर से सिर्फ हमें फंदा नहीं बढ़ाना है। ध्यान से देखना, ऊपर से जो फंदा बढ़ा रहे थे वो फंदा हमें नहीं बढ़ाना है, लेकिन नीचे से यहाँ से जैसे दो दो करके फंदा छोड़ रहे थे वैसे ही हमें छोड़ते जाना है। देखिए अब यहाँ पे दो फंदा छोड़ देंगे और यहीं से पलट जाएंगे। ये ध्यान रखना है कि जो फंदा ये बढ़ा हुआ है 2 4 5 ये जो 5 फंदा बढ़ा है इसको नहीं छोड़ना है, इसके अलावा जो ये 10 फंदा नीचे का है इसको दो दो करके हमने छोड़ना है। तो देखिए दो फंदा छोड़ दिया, 2 4 6 8 8 फंदा और रह गया, तो दो दो करके ऐसे 4 बार और छोड़ लेंगे। अब इधर उल्टे साइड से कुछ नहीं करना है, उल्टे साइड से सभी फंदों को हमें उल्टा उल्टा बना लेना है। देखिए उल्टे साइड से हमने सभी फंदों को बना लिया है, अब देखिए इस फंदे को उतार लिया, लेकिन इसमें पट्टी को अपने साइड को नहीं कर रहे हैं, ऐसे बनाते जा रहे हैं। देखिए बहुत ही प्यारी डिजाइन है, देखने में बहुत ही सुंदर लगता है, बनाना बहुत ही आसान है। देखिए थोड़ा सा आप ध्यान से देखोगे तो आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे दो फंदा छोड़ देंगे और यहीं से पलट जाएंगे। अब उल्टे साइड से सभी फंदों को हमें उल्टा उल्टा बना लेना है। देखिए इधर से हमने सभी फंदों को बना लिया है, फिर देखिए इस तरह से ऊपर से कुछ नहीं करना है, सिर्फ नीचे से हमें दो दो करके फंदे छोड़ना है। फिर देखिए यहाँ पे दो फंदा छोड़ दिया तो 1 2 3 बार छूट गया, 2 बार और छोड़ लेंगे। देखिए उल्टे साइड से सभी फंदों को बना लिया है, ये ध्यान रखना है कि डिजाइन को हमें सीधे तरफ से बनाना है, उल्टे साइड से नहीं। तो मैं इसको आपको पूरा ही बना करके बता रही हूँ एक कली, फिर यहाँ पे दो फंदा छोड़ देंगे और यहीं से पलट जाएंगे। इस तरह से इसकी गुलाई बहुत प्यारी बन करके आती है, 3 4
पांच, ये पांच बढ़े हुए फंदे हैं, ये दो फंदा यहाँ पे और छोड़ दिया और यहीं से पलट जाएंगे। तो देखिए जितने भी फंदे हमने लिए थे, दो चार छः आठ दस बारह चौदह दो सोलह अठारह बीस, बीस फंदे जो हमने यहाँ पे शुरू में लिए थे इन सभी फंदों को छोड़ दिया। पहले दो दो करके पांच बार ये हरे कलर से छोड़ा था, फिर दो दो करके पांच बार दस फंदे मैंने ये पिंक कलर से छोड़ दिया। तो दोनों कलर से हमने दस दस फंदे छोड़ दिए, तो बीस फंदे ये छूट गए। अब ये सिर्फ पांच ये बढ़े हुए फंदे हैं। तो अब देखिए क्या करना है, ये आधी कली बन करके तैयार हो गई है। देखिए आधी कली ये बन गई है। अब जैसे हमने ये बनाया था, अब इसका उल्टा हमें बनाना है। इधर जैसे ये यहाँ तक अभी हमने बनाया, इसका उल्टा हमें अब बनाना है। तो देखिए ऊपर से तो अभी हमें वैसे ही करना है, क्योंकि यहाँ पे हमने कोई फंदा नहीं बढ़ाया था। तो वैसे ही अभी आगे हमें ये दो दो करके यहाँ तक फंदे लेंगे, तो इसमें कोई फंदा, देखिए आपको इस तरह से भी समझ में आ जाएगा कि जब हमने ये दूसरे कलर की पट्टी ले ली तो ऊपर हमने कोई फंदा नहीं बढ़ाना है। जब तक हमने ये नीचे हरे कलर की पट्टी लगाई थी, आप अपनी पसंद से जो भी कलर आपने लगा रखा हो उससे दो दो करके जब फंदे बढ़ाएंगे तो एक एक करके, सॉरी दो दो करके फंदे छोड़ेंगे तो एक एक करके फंदा बढ़ाएंगे। जब दूसरे कलर की पट्टी को लगा लेंगे तो दो दो करके नीचे से फंदे तो हमें छोड़ने हैं, लेकिन ऊपर से हमें कोई फंदा बढ़ाना नहीं है। तो अभी भी हमें इसी कलर की पट्टी का बनाना है, अभी हमें हरे कलर की पट्टी का नहीं बनाना है। तो अब इसमें हमने ऊपर फंदा नहीं छोड़ा था, तो अभी आगे भी हमें ऊपर अभी फंदा नहीं छोड़ना है। ये देखिए दो तीन चार पांच, अभी तक हमने क्या किया था, दो दो करके फंदा छोड़ा था, अब हमें दो दो करके फंदा लेते जाना है। तो पांच फंदा ये बढ़ा हुआ है, अब ये दो फंदा नीचे से ले लेंगे। ये देखिए एक दो, यहीं से पलट जाएंगे। देखिए दो तीन चार पांच, पांच फंदा ये बढ़ा हुआ है, दो फंदा लिया था, छः सात, अब ये दो फंदा नीचे से और ले लेंगे। तो देखिए गैप को ख़त्म करने के लिए यहाँ से एक फंदा उठाएंगे और दोनों को एक साथ बना देना है। ये देखिए और एक फंदा यहाँ पे और ले लेंगे। अगर दोनों को आप एक साथ नहीं बढ़ाओगे तो आपका फंदा बढ़ जाएगा। अब यहीं से पलट जाएंगे। जैसे जैसे दो दो फंदा हमने छोड़ा था वैसे ही दो दो करके फंदा लेते जाना है। अभी ऊपर से कुछ नहीं करना है, सिर्फ नीचे से दो दो फंदा हमें लेना है। फिर यहाँ नीचे से दो फंदा ले लेंगे। गैप को ख़त्म करने के लिए एक फंदा उठाया, दोनों को साथ में बना दिया और एक फंदा और बना लिया। यहीं से पलट जाएंगे। ये जो पट्टी फाड़ते हैं इसका किनारा होता है, इसको मैंने अलग नहीं किया है, तो इसको इसी में इस तरह से रोल कर लेंगे। ये देखिए गैप को ख़त्म करने के लिए एक फंदा उठाया और दोनों को एक साथ बना लिया।
यहीं से पलट जाएंगे। इस साइड सभी फंदों को हमें उल्टा बना लेना है। अब लास्ट में ये दो फंदा रह गया है, इसको भी वैसे ही ले लेंगे। देखिए यहाँ पे गैप को ख़त्म करने के लिए एक फंदा उठाएंगे, दोनों को एक साथ बना लेना है। मैं बार बार आपको बता रही हूँ, ये ध्यान रखना है कि दोनों फंदों को एक साथ बना लेना है, अगर आप नहीं बनाओगे तो फंदा बढ़ जाएगा। अब देखिए यहाँ से अब वापस फिर अब ये पट्टी लगा लेंगे, क्योंकि दो दो करके जितने ये फंदे छूटे थे इन सभी फंदों को हमने बना लिया है। देखिए ये पिंक कलर से दो दो करके जितने फंदे छूटे थे सभी फंदों को हमने दो दो करके ले लिया है। अब यहाँ से ये हरे कलर की पट्टी को लगा लेना है। देखिए यहाँ से मैंने हरे कलर की पट्टी को लगा लिया, इस पट्टी को भी यहाँ पे थोड़ा सा टाइट कर लेना है, नहीं तो बीच में होल रह जाएगा। क्योंकि नीचे अब ये हरे कलर की पट्टी का फंदा छूटा हुआ है, अब ये दो दो करके लेना है। अब ऊपर से भी देखना, जैसे यहाँ एक एक करके फंदा बढ़ा था, अब वैसे ही अब यहाँ पे एक एक करके फंदा घटाएंगे, क्योंकि ये हरे कलर की पट्टी से हमने फंदा बढ़ाया था, तो अब यहाँ पे मैंने हरे कलर की पट्टी को लगा लिया है। अब यहाँ से देखें फंदा हमें घटाना है, एक दो, दो फंदा एक साथ लिया, इसको बना दिया, ये देखिए तो एक फंदा यहाँ पर घट गया। बाकी के फंदों को हमें इसी तरह से उल्टा उल्टा बना लेना है। देखिए अब नीचे से यहाँ से दो फंदा ले लेंगे, तो गैप को ख़त्म करने के लिए एक फंदा यहाँ पे उठाया और दोनों को एक साथ बना देंगे, ये देखिए। फिर एक फंदा और बनाया और यहीं से वापस हो लेंगे। हमें दोनों पट्टी से एक साथ नहीं बनाना होता है। इधर साइड से सभी फंदों को हमें उल्टा उल्टा बना लेना है। देखिए उल्टे साइड से हमने सभी फंदों को बना लिया है। फिर देखिए एक फंदा लिया और दो, देखिए दोनों को एक साथ बना देना है। अब एक फंदा यहाँ पे, एक फंदा बच गया, इस तरह से एक एक करके दो फंदा घट गया। देखिए कई बार कमेंट आता है कि धीरे धीरे बताया करो, अब जहाँ पे अगर कुछ अलग बताना होता है तो वहाँ पे मैं धीरे बताती हूँ। ये फंदे तो ऐसे सिंपल से बनाने हैं, तो अगर इनको भी मैं बहुत धीरे धीरे बनाऊँगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। ये देखिए अब यहाँ पे गैप को ख़त्म करने के लिए एक फंदा उठाया और दोनों को एक साथ बना दिया। फिर एक फंदा और बना लिया और यहीं से पलट जाएंगे। इस साइड से कुछ नहीं करना है, सभी फंदों को उल्टा उल्टा बना लेना है। ये देखिए इस पट्टी को ऐसे इसमें दबा लेंगे, क्योंकि आगे हमें इस पट जो पिंक कलर की पट्टी है इससे कली की शुरुआत करनी है, तो इसको हमें साथ में नीचे लेते जाना है। देखिए उल्टे साइड से हमने सभी फंदों को बना लिया।
फिर एक दो, दो फंदा लिया, इसको एक साथ बना दिया, तीसरा फंदा घट गया। देखिए बाकी फंदों को ऐसे उल्टा उल्टा बना लेना है। दोनों कलर की पट्टी को साथ साथ नहीं बनाते हैं, तो इस तरह से बनाने में भी कोई परेशानी नहीं होती है। देखिए यहाँ पे गैप को ख़त्म करने के लिए एक फंदा उठाएंगे और दोनों को एक साथ बना दिया। यहीं से पलट जाएंगे। सिर्फ इस पट्टी को इस तरह से दबाते जाना है। इधर से सभी फंदों को बना लेते हैं। देखिए फिर दो का एक करते हुए इस तरह से, ये देखिए चौथा फंदा घटा रही हूँ। अब यहाँ पे एक फंदा उठा लेंगे गैप को खत्म करने के लिए। दोनों को एक साथ बना दिया, दोनों फंदों को आगे से एक फंदा बनाया और यहीं से पलट जाएंगे। अब यहाँ से सभी फंदों को बना लेना है। अब ये देखिए एक एक करके मैंने चार फंदे घटा दिए लास्ट में। अब ये दो फंदा एक फंदा रह गया, तो इसको भी दो का एक करते हुए घटा लेते हैं। दो फंदा एक साथ लिया, ये देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह। अब ये फंदा ले लेंगे गैप को ख़त्म करने के लिए, एक फंदा उठाया तो इन दोनों को एक साथ बना देंगे। उन्नीस। अब इस फंदे को नहीं बनाएंगे, पट्टी को पीछे को कर देना है, यहाँ से दूसरे कलर की पट्टी को लगाना है, तो इस वजह से, नहीं तो होल बड़ा हो जाएगा। तो देखिए एक कली बन करके तैयार हो गई है। देखिए आप इस तरह से भी गिन कर इसको काउंट कर सकते हो, गिन सकते हो। देखिए एक दो तीन चार पाँच, दो दो करके यहाँ पांच बार फंदा छूटता है, दस फंदा और पांच फंदा यहाँ बढ़ता है, तो ये पांच लाइन हो गए। इसको देखिए एक दो तीन चार पाँच, पांच लाइन इसकी। यहाँ से दो दो करके फंदा छोड़ते हैं जब बनाते हैं, फिर छः सात आठ नौ दस, जो पांच लाइन इधर है तो इसमें दो दो करके फंदा लेते हैं, लेकिन ऊपर से कोई फंदा बढ़ाना या घटाना नहीं है इस पट्टी में। फिर वापस जैसे पांच फंदे एक एक करके बढ़ाया वैसे एक एक करके पांच फंदे घटाते हैं। तो इधर भी देखिए एक दो तीन चार पाँच, पाँच लाइन बन गए और दो दो करके ये पाँच फंदे नीचे को ले लेते हैं। अब यहाँ से देखिए अभी तक तो हमने क्या किया था, ये नीचे हरे कलर की पट्टी थी और ऊपर ये पिंक कलर के। अब इस पिंक कलर की पट्टी को हमें नीचे लगाना है और ये पट्टी को हमें ऊपर लगाना है। तो देखिए अब यहाँ से हमें इस पट्टी से बना लेना है सभी फंदों को। ये देखिए जितने फंदे हैं सभी फंदों को हमें इस पट्टी से बना लेना है। अब देखिए जो फंदे बढ़े थे वो फंदे घट गए, 20 फंदे जो हमने यहाँ पे शुरू में डाले थे वो 20 फंदे हमारे पास आ गए। आप जितने फंदे डालोगे, जितने फंदे का भी बनाओगे, तो लास्ट में आपके पास उतने फंदे यहाँ पे फिर बचेंगे वापस दूसरी कली जब शुरू करोगे। तो अब देखिए 20 फंदे हमारे पास हैं, फिर जैसे हमने यहाँ पे शुरू किया था वैसे ही अब हमें यहाँ पे भी बनाना है। देखिए
पट्टी को सिलाई के ऊपर लपेटेंगे इस तरह से, देखिए, और एक फंदा यहाँ पे बढ़ गया। अब ये देखिए नीचे से यहाँ से दो फंदे छोड़ देंगे जैसे हमने इस कली में छोड़ा था। अब यहीं से पलट जाएंगे। अब ये देखिए पहला फंदा उतारते हैं जैसे, वैसे उतार लिया। और इस पट्टी को अब हमें साथ में ले जाना है, जैसे इस पट्टी को हमने यहाँ पे इसके साथ दबाते हुए नीचे को उतारा था, वैसे अब इस पट्टी को हमें ऊपर को ले जाना है, क्योंकि आगे जो ये देखिए ये डिजाइन जो बनी है अब हमें आगे हरे कलर से बनाना है, तो इस पट्टी को साथ में लेते जाना है इस तरह से। देखिए बाकी सभी फंदों को हमें इसी तरह से उल्टा उल्टा बना लेना है, क्योंकि डिजाइन को हमें सीधे तरफ से ही बनाना है, उल्टे साइड से कुछ भी नहीं करना है। देखिए इधर से सिंपल सभी फंदों को बना लिया। अब पट्टी को देखिए सिलाई के ऊपर लपेटते हुए ये दूसरा फंदा मैं बढ़ा रही हूँ। देखिए बाकी के फंदों को इसी तरह से उल्टा उल्टा बुनते जाना है। देखिए यहाँ पे दो फंदा छोड़ दिया और यहीं से पलट जाएंगे। इधर उल्टे साइड से कुछ नहीं करना है, सभी फंदों को उल्टा उल्टा सिंपल ऐसे ही बना लेना है। देखिए इस फंदे को उतार लिया और इस पट्टी को इस तरह से साथ में ले लेंगे। तो इसी तरह से एक एक करके, जैसे अभी दो फंदा बढ़ाया, तीन फंदा और बढ़ा लेती हूँ, पांच फंदा यहाँ ऊपर बढ़ा लेंगे और दो दो करके यहाँ पे 10 फंदे छोड़ लेंगे। इतना मैं बना लेती हूँ पहले। जैसे ये कली बनी है सेम वही तरीका है, मैं एक बार ये दूसरे कलर की पट्टी को यहाँ पे हरे कलर की पट्टी को लगा करके और आपको बता दूंगी। देखिए एक एक दो दो करके हमने 1, 2, 3, 4, 5, 10 फंदे छोड़ दिए और एक एक करके हमने यहाँ पे 5 फंदे बढ़ा दिए। देखिए यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 उल्टे की 5 रो भी बन गई है। अब देखिए वापस अब यहाँ से हमें ये हरे कलर की पट्टी को लगा लेना है, ये देखिए, और इसको पट्टी को खींच करके ऐसे टाइट कर लेंगे थोड़ा। फिर देखिए अब इससे सभी फंदों को हमें बना लेना है। देखिए अभी तक तो हमने एक एक करके यहाँ पे फंदा बढ़ाया है। अब हमें जैसे यहाँ पे हमने किया था, यहाँ पे कोई फंदा नहीं बढ़ाया था गुलाई देने के लिए, देखिए अब ऐसे ही हमें यहाँ पे भी बनाना है। पहला फंदा उतार लिया, देखिए सभी फंदों को हमें इस तरह से बनाते जाना है, ऊपर से कुछ भी नहीं करना है। अब नीचे से दो फंदा छोड़ देना है और यहीं से पलट जाएंगे। उल्टी तरह से सभी फंदों को बना लेना है। देखिए सभी फंदों को हमने इधर से बना लिया है उल्टी तरफ से। देखिए पहला फंदा उतारेंगे लेकिन पट्टी को हमें घुमा के नहीं लेना है, घुमा के अगर लेंगे तो यहाँ चोटी सा बनेगा, लेकिन इसमें देखिए इसमें मैं चोटी सा नहीं बना रही हूँ, तो इसको ऐसे ही लेना है। इतना आपको समझ में आ गया होगा, मैंने दूसरी कली भी आपको देखे इतना बना करके दिखा दिए, तो ऐसे ही सभी कलियों को बनाना है। जैसे 2, 2, 4 फंदे छोड़ दिए, ऐसे 2, 2, 4, 2, 6 यहां तक फंदे छोड़ लेंगे। जब ऊपर ये 5 फंदा रह जाएगा तो फिर वापस 2-2 करके नीचे फंदे लेते जाएंगे, लेकिन ऊपर ऐसे ही बनाते जाएंगे, यहां तक फंदे ले लेंगे। इतना लेने के बाद फिर उसके बाद जैसे एक एक करके यहाँ पे फंदा बढ़ाया, वैसे एक एक करके इस ये पट्टी पिंक कलर की पट्टी को लगा करके
फिर बनाएंगे तो एक एक करके जैसे बढ़ा है फंदा वैसे एक एक करके घटेगा, फिर इन फंदों को भी दो दो करके नीचे को लेते जाएंगे। तो ऐसे ही सभी कलियां बनानी है। तो पूरा बना लेती हो, आगे क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगी। इतना आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा क्योंकि मैंने दोबारा भी इसको समझा करके आपको बता दिया दूसरी कली में भी। ये देखिए ये पूरा बन करके तैयार हो गया है। इसमें 6 कली बनी हुई है, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इसमें देखिए एक में तो हमने हरे कलर से ये पत्ती बनाई है, एक में ये गुलाबी कलर से बनाई है, देखिए पिंक से। फिर जब ये पिंक से नीचे की पत्ती बनाई तो ये फूल हरे कलर से बना है, जब हरे कलर से पत्ती बनाई तो ये फूल पिंक कलर से। तो देखिए देखने में कितना प्यारा लग रहा है और बनाना उतना ही आसान है। अब यहाँ पे लास्ट में फंदे को बंद करना है, बंद करके सिलाई लगानी है। पूरे पायदान में सिर्फ सिलाई एक जगह ही लगेगी। तो देखिए अब कैसे फंदा बंद करना है वो मैं आपको बताऊंगी। देखिए दो फंदा एक साथ लिया, बना दिया, एक फंदा बचा, वापस सिलाई में डाला, आगे से एक फंदा लिया, ये देखिए, फिर एक फंदा बचा, वापस सिलाई में डाला, आगे से एक फंदा लिया। इसी तरह से दो का एक करते हुए हमें सभी फंदों को बंद कर लेना है। तो देखिए इसको बनाना कितना आसान है और देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। देखिए इसी तरह से मैं सभी फंदों को बंद कर लेती हूँ। ये देखिए सभी फंदों को हमने बंद कर दिया है। तो ये पूरा बन करके तैयार हो गया। अब इसमें सिलाई लगानी है। तो देखिए ये सीधा साइड है, सिलाई को उल्टे साइड से लगाएंगे तो इसको इस तरह से पलट लेंगे और यहाँ से इसको सिलेंगे। इसका होल भी ज़्यादा बड़ा नहीं है तो साथ में ये सिल जाएगा। इसके लिए देखिए मैंने ये बड़ी सुई और मोटा धागा लिया है। तो यहाँ से सिलना शुरू करेंगे। देखिए ये जो फंदा बढ़ा है इसको नहीं, जहाँ से हमने ये फंदा डाला है देखिए, और जहाँ से ये फंदा हमने यहाँ पे घटाया है और यहाँ पे देखिए बढ़ाया है, तो इसको हमें यहाँ से सिलना है। इस तरह से इसको लेते हुए सिलोगे तो बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि सिलाई कहाँ पे लगी है। देखिए जो फंदा बंद किया है और जो फंदा डाला है इस तरह से लेते हुए सिलते जाना है। देखिए दोनों को देखिए, तो इस साइड भी सीधे उल्टे तरफ भी नहीं पता चलेगा और सीधे साइड से भी बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि सिलाई कहाँ पे लगी है। इस तरह से थोड़ा सा अगर आप सफाई से इसको सिलोगे इस तरह से तो बिल्कुल भी पता नहीं चलने का है। देखिए तो सिलने का आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह से पूरा सिल लेती हूँ यहाँ तक। देखिए ये खूबसूरत सा पायदान बन करके तैयार हो गया है। इसमें सिलाई कहाँ लगी है बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है। देखने में कितना खूबसूरत लग रहा है और बनाना उतना ही आसान है। तो आपको ये पायदान की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।